साथियों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आभार, अभिनंदन और जोहार। साथियों हम आए हुए हैं निरसा। निरसा जगन्नाथ जी इधर आइए। क्या है निरसा का? निरसा ब्लॉक ऑफिस में आ चुके हैं और हमारी मुलाकात अंकल से हो गई। तो अंकल आपका शुभ नाम क्या है? पप्पू भगत जी इनका शुभ नाम है। इस तरह हालत कैसे हो गया आपका? मेरा एक्सीडेंट हो गया 2001 में। इनका एक बड़ा रोड एक्सीडेंट हो गया है और कुछ देर पहले जब हमारी इनसे मुलाकात हुई, परिचय हुई, तो आप कैसे हमको पहचानते हैं? हमारे घर में आप सांप निकालने के लिए आए थे, ले गए तो उसी से पकड़े। इनके घर में हम सांप निकालने के लिए आए थे ठीक 2 साल पहले। अब हमारा भी मेमोरी लॉस नहीं है, हम भी पहचान लिए आपको। 12 बजे रात को इन्होंने हमें कॉल किया कि मुबारक जी हम आ रहे हैं। तो ये ऑटो से आए थे और इनका घर ठीक निरसा चौराहा का भीतर साइड में है। पांडे बस्ती में ये रहते हैं और हरी मंदिर के पास रहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई और हमारा जीवन सफल हो गया। तो हम चाहते हैं कि अभी रक्षाबंधन भी है, कुछ हो ना हो कुछ हम लोग आप लोग जैसे लोगों को ये सोशल मैसेज देना चाहते हैं। सोशल मैसेज क्या है हमारा कि आप जितना दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको ऊपर वाला देगा। समझ रहे हैं आप लोग कुछ? हाँ। आप जितना दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर वाला आपको देगा, ये हमारा मानना है। आप दीजिएगा तब ना देगा। हाँ। आप देवे नहीं कीजिएगा ना शमशान ना कब्रिस्तान कुछ जाएगा। अगर जाएगा तो सिर्फ आपका कर्म जाएगा। क्या जाएगा? कर्म जाएगा। आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपको जाएगा। ये साथियों सोशल मैसेज है कि आप भी इस तरह कुछ कर सकते हैं। रुकिए अब हमारा मन नहीं भर रहा, कुछ और हम चाहते हैं देना। हाँ पकड़ते हैं। मुबारक भैया ने बेटा कहिए बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको आशीर्वाद देना है। हमारा आशीर्वाद कहीं थोड़ा सा रुका हुआ है। ये आशीर्वाद देते हैं तो हमको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। खाली पेपर में देखे हैं। हाँ हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। कपड़ा घर में थे 5 हाथ का। हाँ इसको भी रख, उसको जोक के रखे थे। हाँ हाँ हाँ। साथियों इनकी आशीर्वाद हमें बुलंदी तक ले जाएगी और आसमान छूने में भी शायद बहुत जल्दी हम छू सकेंगे। लेकिन अपना सोच को आप पॉजिटिव रखो, नेगेटिव नहीं। सोच, एक छोटी सी सोच अनेक खुशियां किसी के जीवन में ला सकते हैं। एक छोटा सा सोच किसी के जीवन में आप अनेक खुशियां ला सकते हैं। तो हम चाहते हैं भगत जी का इस सावन के महीने में थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए हमें। यही सावन का महीना में 27 तारीख को। हाँ इसी सावन का महीना में ठीक 2 साल पहले 27 तारीख को हमें कोबरा सांप इनके यहाँ से पकड़ दिए थे। दूध पर्व था यानी नाग पंचमी का तुरंत। और कुछ बोलना चाहिएगा आप? क्या बोलें? और कुछ बोलने का नहीं है। दुर्गा पूजा में हम आएंगे आपके लिए शर्ट और छोटा बढ़िया वाला हाफ पैंट ला देंगे और एक बढ़िया गमछा ला देंगे ताकि आप भी मेला देखिए। गमछा दीजिएगा तो 4 हाथ का। 4 हाथ नहीं, अगर 8 हाथ का भी आएगा तो वो भी खरीदा जाएगा। ऐसा क्या? गमछा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है साथियों, इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। आप भी बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम।